तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है। पहला क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन फीमेल। आपको बताना है कि पैतृक जो गणसूत्र हैं उन गणसूत्रों में कौन सा ऐसा संयोजन होगा जिसके वजह से जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, तो हमने आपका कई बार बात करी है कि मेल हो या फीमेल हो, उनके अंदर जो ऑटोसोम्स हैं वो 22 पेयर्स होते हैं, वो दोनों में सेम होते हैं। उसके साथ में उनके अंदर दो क्रोमोसोम्स और होते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होंगे। अब आपको यहाँ पे फीमेल का पूछा है, फीमेल की यानी कि फीमेल के अगर आपको क्रोमोसोम पूछे हैं तो फीमेल में जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे बाकी वो कौन से होंगे, XX, और मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कौन से होंगे, XY। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे इसका। सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन बी, XX। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको पूछा है अमीबा के बारे में। अमीबा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अमीबा क्या मोनेरा का मेंबर है, फंगाई का है, प्रोटिस्टा का है या एनिमेलिया का है। तो देखिए, मोनेरा किंगडम में कौन आते हैं, मोनेरा किंगडम में जो आते हैं वो सारे हमारे पास में बैक्टीरिया हैं। ठीक है, फंगाई किंगडम में हम जानते हैं सारे के सारे कवक आते हैं। प्रोटिस्टा जो किंगडम है, प्रोटिस्टा के अंदर कई अलग अलग तरह के जीव आते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा भी आता है, प्रोटिस्टा के अंदर प्लाज्मोडियम भी आता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कौन सा जो मलेरिया कॉज करता है, वो प्लाज्मोडियम के अंदर यूग्लिना भी आता है, डायटम्स भी आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स भी आते हैं, एनिमेलिया के अंदर आप जानते हैं एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर हम दे देंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोटिस्टा किंगडम। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको एक वैक्सीन का नाम बताया है, अगेन रोटा वायरस वैक्सीन। आपको पूछा है कि कौन सी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, कौन से रोग से बचने के लिए रोटा वायरस वैक्सीन जो दी जाती है। तो रोटा वायरस वैक्सीन देखिए बच्चों में दी जाती है ओरल फॉर्म में, जैसे पोलियो में आपको ओरली दी जाती है, उसमें कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, ओरली आपको ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। और रोटा वायरस जो वैक्सीन है वो किसके अगेंस्ट काम करेगी, ये काम करेगी उन रोगों के खिलाफ जो रोटा वायरस से होते हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि रोटा वायरस की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो रोटा वायरस की वजह से होने वाले जो परेशानियां या जो रोग हैं उनमें से मेन होता है डायरिया। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर डायरिया एक मेजर प्रॉब्लम होती है, और एक तरह से अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों के अंदर डेथ का एक रीज़न भी होती है। तो उससे बचने के लिए हम बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन देंगे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोलियो से बचने के लिए हम बच्चे को पोलियो वैक्सीन देते हैं, हेपेटाइटिस से बचने के लिए हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन होती है, और हेपेटाइटिस वाली जो वैक्सीन है वो हमारे पेंटा नाम की एक वैक्सीन आती है, जिसमें 5 अलग अलग तरह की वैक्सीन होती है, उनमें से एक होती है। और एड्स के लिए हम ऐसे कोई वैक्सीन नहीं देते बेसिकली। ओके, आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है वो है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। आपको बताना है कि आपके मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो आपका पोस्चर और जो बैलेंस है आपके शरीर का उसको मेंटेन करता है, यानी कि अंग विन्यास और संतुलन को कौन बनाए रखता है। तो देखिए, आपके ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो होता है सेरिब्रम। तो देखिए, सेरिब्रम जो है वो इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इन्हें हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के नाम से जानते हैं, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं। इसके अलावा बाकी पार्ट्स हैं हमारे, उस तरह से मतलब ब्रेन को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, एक पार्ट सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है, और मेड्यूला ओब्लोंगेटा होता है। तो देखिए, सेरिबेलम जो आपका पार्ट है, पस्त मस्तिष्क, ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेंटेन करता है आपका जो बॉडी का पोस्चर है और जो बैलेंस है। और देखिए, जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो शराब के सेवन करने से क्या होता है, ये जा करके आपके सेरिबेलम पे इम्पैक्ट करता है, तो उसकी वजह से पोस्चर और जो बैलेंस है आपका वो बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ओके, अल्कोहल का बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगली बार हो सकता है यही क्वेश्चन आपको अल्कोहल का मेंशन देकर के पूछ लिया जाएगा, तो आंसर सेम ही रहेगा। अगला सवाल है, आपको पूछा गया है कि हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है। तो हाइड्रा के अंदर देखिए, हाइड्रा के अंदर जो प्रजनन का मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे ओवम, स्पर्म, इन सब का फॉर्मेशन नहीं होगा पहली बात, और दूसरा बात यहाँ पे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो प्रजनी होती है या फिर जो बच्चे होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे।
अब देखिए फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं? फ्रेगमेंटेशन विखंडन में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसका अगर एक टुकड़ा टूट जाएगा तो वो टुकड़ा भी टूट करके पूरा का पूरा वापस वो ही जो ऑर्गेनिज्म है अपना पेरेंट जैसा है वैसा बना लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर आप बात करो तो फ्रेगमेंटेशन बहुत अलग अलग आपको सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है स्पंजेस के अंदर, ठीक है। बडिंग की अगर हम बात करें तो बडिंग आपको देखने को मिलेगा अमीबा के अंदर, सॉरी नॉट अमीबा, हाइड्रा के अंदर, ठीक है। बाइनरी फिजन की अगर आप बात करें तो बाइनरी फिजन में कुछ नहीं होता है, ये एक सेल है तो ये एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करके दो सेल बना लेगा, नहीं दो सेल इसने बनाई है, बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब होता है टूटना, तो इस तरह से टूट करके दो सेल बना ली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और अगर यही सेल दो की बजाय बहुत सारी अगर सेल्स बना लेगी उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। तो बाइनरी फिजन आपको बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आपको हाइड्रा के लिए पूछा है तो हाइड्रा के अंदर जो टाइप है वो कौन सा होगा, होगा ऑप्शन बी, दैट इज बडिंग मुकलन। यही यहाँ पे आपको हाइड्रा के बडिंग का फोटो भी दिया हुआ है, तो ये आपका हाइड्रा ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, तो यहाँ पे एक बड बनना शुरू होगा, बड धीरे धीरे ग्रो करेगा और एकदम जैसा पेरेंट प्लांट है वैसा ही बन जाएगा, उसके बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द कम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस। आपसे पूछा है कि वसा का संपूर्ण पाचन जो है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके कौन से भाग में होता है। तो देखिए अगर आप पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देखोगे तो आप देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते 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 छोटी आंत तक जाते जाते मैक्सिमम चीज़ों का जो है कम्प्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जाते जाते एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक जो है, स्टमक में अभी भी डाइजेशन चल रहा होता है। स्टमक की अगर आप बात करो तो स्टमक में आपके पास प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है और स्टमक से पहले क्योंकि माउथ आएगा तो माउथ के अंदर आपका थोड़ा बहुत स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन आपसे किसी भी चीज़ का पूछें तो आपको हमेशा आंसर बताना है स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अगला देखिए आपसे पूछा है कि फादर ऑफ सर्जरी किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे नेम मेंशन है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फादर ऑफ सर्जरी कौन है। सुश्रुत जो है उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इसी तरह जो चरक है, चरक को भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी न किसी का फादर कहा जाता है। चरक को कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और जो हिप्पोक्रेट्स है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो ये कुछ आपको सीधे याद करने के लिए चीज़ें हैं, आप याद रखिए, ठीक है। तो फादर ऑफ सर्जरी पूछा हमसे क्वेश्चन में, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, सुश्रुत, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण जो है वो ऑप्शंस जो दिए हुए उनमें किस किस में पाया जाता है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपके पास एग्जाम्पल। प्लांट्स के अलावा आपके पास में एल्गी होता है, तो एल्गी भी वैसे कुछ एल्गी जो है वो प्लांटी किंगडम में है, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे पास में जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, फंगाई जो है, फंगाई कभी भी अपना भोजन नहीं बनाते, ये हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे के सारे फंगाई जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि ये स्वपोषी बिल्कुल भी नहीं होते। वायरस जो होते हैं, वायरस भी स्वपोषी नहीं होते, इन्हें तो अपना नंबर भी बढ़ाने के लिए होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में से हमारा सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन डी। कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक है, और ऑटोट्रॉपिक में भी कैसा ऑटोट्रॉपिक है, ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं और वहाँ से एनर्जी गेन करते हैं और वहाँ से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सही जवाब यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। अगला सवाल आपको पूछा है कि क्रिप्टोगैमी क्या होते हैं। तो क्रिप्टोगैमी देखिए वो पौधे होते हैं जहाँ पे फ्लावर्स नहीं होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का काम है वो कैसे होगा। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो इनका जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन की प्रक्रिया है, वो होती है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। अब आप पूछोगे ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कई तरह की फंगाई में मिलेगा, ठीक है। फंगाई के अलावा आपको बहुत सारी ग्रीन एल्गी के अंदर भी देखने को मिलेगा,
और ग्रीन एल्गी के अलावा टेरिडोफाइट्स में आपके जो फर्न्स इंक्लूडेड होते हैं उनके अंदर भी आपको स्पोर फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्पोर फॉर्मेशन के। तो क्योंकि प्लांट्स की बात कर रही हैं तो हम एक बार फंगाई को रिमूव कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है प्लांट्स हैविंग कवर्ड सीड्स, नहीं, कवर्ड सीड्स जिनमें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। सॉरी, जिम्नोस्पर्म्स में तो एक्चुअली एक्सपोज होते हैं सीड्स, जिनमें सीड्स कवर होते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं बेसिकली हम उनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे एकदम सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा नीचे जो आपकी जो विशेषता दी हुई है इनमें से कौन है जो यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी विशेषता नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम जानें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो वेल ऑर्गेनाइज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कभी भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, ये सारी चीज़ें भी आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगी। हम देख लेते हैं आपको ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है न्यूक्लियस इज़ वेल ऑर्गेनाइज, ये बात एकदम सही है कि जो केंद्रक है वो अच्छी तरह से गठित होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट का एग्जांपल है। तो आपके केंद्रक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, केंद्रक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएनए। तो बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो इसी तरह से बाहर ही पड़ा हुआ होता है, उसके लिए अलग से कोई केंद्रक नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल को आप कभी भी देखोगे तो उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होगी, उसके अंदर ही हमेशा आपको डीएनए और इस तरह के जेनेटिक मटीरियल देखने को मिलेंगे। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एकदम बात ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो ये बात देखिए गलत है। प्लांट सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है और प्लांट सेल्स में हम सब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। और लास्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, केंद्र की झिल्ली भी मौजूद होती है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से गलत है या कौन सा यूकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला आपको पूछा है कि द माइक्रोन्यूट्रिएंट, आपको एक सूक्ष्म पोषक बताना है विच इज़ सप्लाइड बाय सॉइल टू द प्लांट, जो जिसकी आपूर्ति जो है वो मिट्टी से ही पौधे को हो जाती है। तो देखिए नाइट्रोजन, एन, पी, के, ये तो हमने पहले भी बात करी थी, ये तीनों क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। प्लांट को ये बहुत अधिक मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है, तो फॉस्फरस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा। कैल्शियम और जिंक की अगर हम बात करें तो इनमें से जिंक जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसकी आपूर्ति जो है वो मिट्टी से ही हो जाती है, इसको हमें बाहर से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, जिंक, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आपको नीचे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किसने सुझाया था कि जीवन जो है वो अकार्बनिक अणुओं से बना हुआ होगा। तो देखिए हमारे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसके बाद में ये कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि जो लाइफ है, जो जीवन है वो बहुत पहले जब शुरुआत हुई होगी तो अकार्बनिक पदार्थ जो है अकार्बनिक अणुओं से शुरुआत हुई होगी, और उसके बाद में आगे इवोल्यूशन होते होते जो है लाइफ आज हम जिस रूप में एग्जिस्ट करते हैं उस रूप में हुई होगी। तो ग्रिगर मेंडल के बारे में आप जानते हैं, जॉन मेंडल ने जो है अपने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, इन्होंने जो भी अपनी डिस्कवरी करी थी वो जेनेटिक्स के ऊपर करी थी। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। आगे आते हैं आपके पास डार्विन है, हेल्डेन है और मिलर है। तो इनमें से जो हेल्डेन साइंटिस्ट हैं, हेल्डेन और हेल्डेन के साथ में एक साइंटिस्ट और थे, इन दोनों ने मिलकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसके बाद में ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे और उन्होंने ये सुझाव दिया था। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। डार्विन जो है, डार्विन की आपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़ी होगी, और उसके अलावा मिलर हैं, तो मिलर ने भी यहाँ पे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसी चीज़ के बारे में, ठीक है, जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है उसी के बारे में। तो देखिए ऑपेरिन और हेल्डेन, इनकी एक हाइपोथेसिस है, इन दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ ये बताया था, इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमारा जो जीवन है वो बना हुआ है, क्योंकि यानी कि शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई है। आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का, आपके रक्त का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, ऐसा कौन सा घटक है जो कीटाणुओं के खिलाफ, यानी कि बाहर से आने वाले कीटाणु जो है जर्म्स के साथ में लड़ता है।
तो देखिए, हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल दोनों का सेम ही फंक्शन है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स आपको हेल्प करते हैं ब्लड की क्लोटिंग में, थक्का बनने में। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स में आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं और तरह के सेल्स हैं, इनका काम क्या होता है, बाहर से जो जर्म्स आएंगे इनसे ये लोग क्या करेंगे, इनसे ये फाइट करते हैं, आपको बचाते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोइटर। गोइटर इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विच हार्मोन। देखिए, हमने हमेशा गोइटर की बात करते हैं, हमने यही पढ़ा है कि गोइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो आपके दिमाग में सवाल बहुत बार आया होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपका गला क्यों सूज जाता है। तो देखिए, हमें ये तो पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपके थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। तो थायराइड ग्लैंड आपका जो हार्मोन रिलीज करता है वो है आपका थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपके शरीर में थायरोक्सिन की मात्रा भी कम हो जाएगी और इस वजह से आपको गोइटर होगा। तो आज आपके पास जो सवाल है उसमें आपको ये तत्व नहीं पूछा है, बल्कि आपको पूछा है कि कौन सा हार्मोन, कौन से हार्मोन की कमी की वजह से गोइटर होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन ए, थायरोक्सिन। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया है वो है, द लॉयन टेल मकाकी इज ऑल्सो नोन एज, यानी आपको इसका दूसरा नाम पूछा है। तो लॉयन टेल मकाकी जो है, शेर की पूंछ जैसे मैकॉक जो है, इनका दूसरा नाम वो है जो है उसे हम जानते हैं बियर्ड बेबून के नाम से, यानी कि बियर्ड लंगूर। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सीधा याद करना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, कौन सा जो रोग है वो एक संक्रामक रोग नहीं है। तो डायबिटीज, देखिए डायबिटीज होता है आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो, और ग्लूकोज की मात्रा अधिक क्यों होती है, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन आपका जो हार्मोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। टाइफॉइड, टीबी की अगर आप बात करोगे तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जिसको लगेगा उसके अंदर डिजीज होगा। उसके अलावा जो टीबी है एक कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। उसके अलावा चिकन पॉक्स और कॉलेरा, तो इनमें से जो डायबिटीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, वो संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, टीबी आपको मालूम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। अगला सवाल देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज गैसेज, यानी कि आपका जो श्वसन तंत्र है उसका कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपके जो गैसेस हैं उनके आदान प्रदान का काम करता है। तो देखिए, लंग्स के अंदर आप जाओगे तो हम शुरू करते हैं ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई के बाद में हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स के आगे टर्शरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं। इस तरह से ये एक ऑलमोस्ट एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तना है, फिर उसकी ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस हैं। इनमें सबसे एंड का जो भाग होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद में आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई का जो फंक्शन होता है, जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, आदान प्रदान गैसेस का, वो कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के अंदर। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन डी, एल्वियोलाई। ठीक है, तो एक बार अगर आपको ये ट्री अगर देखना है तो हम ऐसे देख सकते हैं, जो नोज के बाद में आपका कंटिन्यूएशन होता है वो आपका होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया उसके बाद में डिवाइड कर जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई के अंदर। एक ब्रोंकाई आपका लेफ्ट लंग में चला जाएगा, एक ब्रोंकाई राइट लंग में चला जाएगा। लंग के बाद में आगे जाकर के ये और आगे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रोंकियोल्स के बाद में एंड में एकदम जाकर के लंग के अंदर ये बहुत सारे, इस तरह से इनके अंदर बहुत सारी आपकी एल्वियोलाई होती है, जहाँ पे आपके गैसेस का आदान प्रदान होगा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स जो रोग है वो किसके कारण होता है। तो एंथ्रेक्स देखिए बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जिस बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स होता है उसे हम कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, तो ये हमने बैक्टीरिया का नाम भी बता दिया, तो सही जवाब यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला आपको पूछा है, काला आजार रोग बताया है आपको, काला आजार जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। तो देखिए, काला आजार जो है, अगर आपको इसका दूसरा नाम मालूम है तो आप आसानी से बता देंगे किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। काला आजार को हम लिशमानियासिस भी कहते हैं। ठीक है, लिशमानियासिस क्यों कहते हैं, क्योंकि लिशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिशमानिया एक ऐसा जीव है जिसकी वजह से काला आजार होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, लिशमानियासिस। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन डी,
इनमें देखिए एस्केरिशिया कोलाई जो दिया हुआ है, ये आपके डायरिया का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। अगर आपको डायरिया हो रहा है तो हो सकता है ई कोलाई की वजह से हो। ऐसे साथ ही आपके पास में एजोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है। क्लॉस्ट्रीडियम जो है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई आपने सुना होगा, ये टिटनस का आपके जो बैक्टीरिया है वो है। उसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम की और भी स्पीसीज होती हैं जिनकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। जो आपका पैक्ड फूड होता है, अगर उसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम चला जाए, क्लॉस्ट्रीडियम की कुछ और स्पीसीज, तो आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। आपको काला आजार का पूछा था, तो हमारा जवाब उसके लिए क्या होगा? लिशमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड इन द पैंक्रियाटिक जूस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप फटाफट से मुझे बता दीजिए, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर सारे एंजाइम आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से। इतने हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के, हमारे पास में कौन कौन से एंजाइम है। माउथ से शुरू करते हैं, माउथ में हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। फिर हम आते हैं स्टमक में, स्टमक में हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। फिर हम आते हैं इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में हमारे पास में जो प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमारे पास में काफ़ी सारे एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम और इनके अलावा एक और एंजाइम होता है, तीनों एंजाइम जो हमारे पैंक्रियाटिक जूस के हैं और ये हमारे हेल्प करते हैं प्रोटीन के डाइजेशन में। क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिप्सिन मेंशन है, पेप्सिन स्टमक का है, तो पेप्सिन आंसर नहीं होगा। एमाइलेज जो है, एमाइलेज किसके काम में आता है? स्टार्च के डाइजेशन में। यूपेज अगर आपको नहीं भी मालूम है तो भी हमें ट्रिप्सिन तो मालूम ही है, तो फॉर श्योर इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। ओके, अब आप मुझे ये भी बता दीजिए, ट्रिप्सिन जो है उसको काम करने के लिए पीएच, कितने पीएच की जरूरत होगी तब जो ट्रिप्सिन है वो काम करेगा। अगला सवाल जो है आपका वो है ग्लोमेरुलस और जो बोमेंस कैप्सूल है वो कौन से ऑर्गन के पार्ट्स हैं। आपको पूछा है कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आपके शरीर का कौन सा भाग है। तो देखिए, हमने काफ़ी बार किडनी की जब भी बात करी, मैंने आपको नेफ्रोलॉजी बताया था, नेफ्रॉन मैंने बहुत बार टर्म यूज़ किया है, तो नेफ्रॉन की एक बार हल्की सी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन देखिए इस तरह से शुरू होता है, नेफ्रॉन, फटाफट हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि आपको देखी देखी भी लग रही होगी कहीं पे, बायोलॉजी अगर कभी आपने पढ़ी होगी तो। हाँ, तो देखिए ये जो मैंने रेड कलर की ये चीज़ें बनाई हैं, ये यहाँ पे आर्टरीज हैं, और यहाँ पे जो आर्टरीज बहुत सारी यहाँ पे इकट्ठा हो गई हैं, इसे हम जानते हैं ग्लोमेरुलस के नाम से। और यही जो ग्लोमेरुलस है, इसके दोनों आर्टरीज है, एफरेंट और ईफरेंट आर्टरी है, एक आने वाली आर्टरी है और एक रक्त को ले जाने वाली आर्टरी है। इसके बाहर ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये जो कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, इन्हें हम पीसीटी और डीसीटी कहते हैं। ये होता है आपका हेनलीज लूप और ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पूरे पार्ट्स हो गए हैं आपके नेफ्रॉन के, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल किसके पार्ट हैं, तो आप कहोगे नेफ्रॉन तो क्वेश्चन में ही नहीं है। तो हम अब मैं आपसे अगला सवाल करूंगी कि आप मुझे बताइए कि नेफ्रॉन आपके शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर नेफ्रॉन ही नेफ्रॉन होते हैं। तो कौन सा ऐसा पार्ट है? वो है हमारे किडनीज। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला आपको पूछा है स्किन जो है आपका किस तरह की एक मेम्ब्रेन है। तो स्किन देखिए, आप बहुत सारी जगह एपिथीलियम के बारे में पढ़ेंगे, तो एपिथीलियम के बारे में पढ़ेंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्किन के अंदर किस तरह की एपिथीलियम होती है। उसके अलावा आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है सिरस मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है आपकी, वो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर होती है। साइनोवियल जॉइंट्स कैसे? जैसे कि आपका नी जॉइंट है, वो एक साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपकी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो स्किन जो है वो एक क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। ओके, सही जवाब इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए स्किन के एपिथीलियम की जो मैं बात करी थी, तो स्किन का एपिथीलियम कौन सा है ये भी आप याद रखिए। ये किस तरह का एपिथीलियम? ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपको कभी पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है जो सिल्क है, रेशम है, वो आप किस तरह से, कौन से जीव से रेशम की प्राप्ति करते हैं। तो रेशम आप सब जानते हैं, जो मॉथ है, जो कीड़ा अकीड है, उससे आप गोट, शीप, बटरफ्लाई, इनसे तो बटरफ्लाई से हम नहीं प्राप्त करते हैं, जो कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई का, जो भी कोकून वाले जो फेज होते हैं उसमें, उससे हम सिल्क लेते हैं। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और जो सिल्क रियरिंग का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और इस तरह से हम पहले एपीकल्चर पढ़ चुके हैं, सॉरी, हाँ ओके।
इस तरह से हमने पहले एपिकल्चर पढ़ा है। एपिकल्चर में हम क्या करते हैं, हम जो बीज है मधुमक्खियाँ उनका पालन करते हैं, ठीक है यहाँ पे। और जो सिल्क वॉर्म है उसकी यहाँ पे आपको एक स्पीसीज भी दे रखी है, बॉम्बिक्स मोराई। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन अकर थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। आपको बताना है कि जो मनुष्य हैं उनमें प्रजनन का कौन सा प्रकार होता है। तो देखिए हम एक एक ऑप्शंस पढ़ेंगे और उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ लेते हैं पहले। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है अगर जो फर्टिलाइजेशन है, जो निषेचन है, वो शरीर के अंदर किसी भाग में हो रहा है, किसी ऑर्गन के अंदर हो रहा है, तो उससे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर, जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन निषेचन जो है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है, और निषेचन होने के बाद में उसका इम्प्लांटेशन वापस बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आपका इन विट्रो और एक्स विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो है आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, जैसे आपके बहुत सारे IVF सेंटर्स हैं उनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो फेलोपियन ट्यूब्स आप बताइए इंटरनल बोलोगे या एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन, सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला आपको पूछा है जो कुबाल अमीन है वो किसका साइंटिफिक नेम है, कौन सा विटामिन का। तो विटामिन B12 को हम साइनो कुबाल अमीन के नाम से जानते हैं, तो सही जवाब इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे भी आपको B1, C, E इन सब के नाम तो वैसे भी याद हो ही गए होंगे, अब तक हम ऑलमोस्ट हर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं विटामिन के नेम्स को। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपको एक पैरासिटिक रिलेशनशिप बताना है, नीचे जो जोड़े दिए हुए उनमें से आपको एक परजीवी संबंध बताना है। तो देखिए पैरासिटिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक्टो पैरासिटिज्म होता है, तो एक्टो पैरासिटिज्म क्या होता है, वो आपके शरीर के बाहर रहता है जो वहाँ पे परजीवी होता है वो। एक एंडो पैरासिटिज्म होता है, वहाँ पे जो पैरासाइट होगा वो आपके शरीर के अंदर रह रहा होगा। और एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सा होता है। एक होता है एक्टो, एक होता है एंडो और एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। एल्गी और कोरल लीव्स है पहला, दूसरा है टिक्स और डॉग्स। देखिए एक्टो पैरासिटिज्म जिस तरह से जू आपके सर में रहती हैं, ठीक है, तो वो रह रही हैं आपके शरीर के बाहर, लेकिन वो जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो आपसे ही ले रही होती हैं, ठीक है। एंडो पैरासिटिज्म में क्या होता है, जैसे पैरासाइट बहुत सारे आपकी आंत में रहते हैं, ठीक है, जैसे हमने टीनिया सोलियम की बात करी थी, वो आपका एंडो पैरासाइट है। तो इसी तरह से जैसे कि टिक्स ऑन डॉग्स होती हैं, इसी तरह से होती हैं माइट्स होती हैं, ठीक है। तो टिक्स ऑन डॉग्स भी क्या है, जिस तरह से जू ह्यूमन बींग्स में होती है उसी तरह से टिक्स जो होती है वो डॉग्स में होती है, बाकी जानवरों में होती है, वो भी उनके स्किन के ऊपर रहती हैं, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला है टाइफाइड और टीबी, आपको बताना है किस तरह के डिजीजेज बैक्टीरियल हैं या वायरस से होती हैं, प्रोटोजोआ से या फंगस से। तो इन दोनों में से आपको अगर एक का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म मालूम है तो आप आराम से बता देंगे कि ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। टीबी का मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, टाइफाइड का आप मुझे बताइए कौन से बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प्स इन कीपिंग द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी एक्सटर्नल मैटर और बैड सेल ऑर्गेनल्स। आपको ऐसा कोशिकांग बताना है जो कोशिका को स्वच्छ रखेगा एकदम। कैसे स्वच्छ रखेगा, अगर बाहर से किसी भी तरह का कोई मैटर आ रहा है, जो बाहरी पदार्थ अगर वो सेल के लिए उपयोगी नहीं है तो उसका भी वो उसको भी खत्म कर देगा, और अगर किसी भी तरह का कोशिकांग जो है वो भी अच्छा नहीं है तो उसको भी खत्म कर देगा। तो ऑलमोस्ट ये क्या है, यहाँ पे आपको सीधा सुसाइडल बैग ना बोल करके उसी को थोड़ा ट्विस्ट करके बोला गया है। तो लाइसोसोम का भी क्या फंक्शन होता है, इस तरह की कोई भी अगर उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कोशिका के लिए काम की नहीं है, तो वो उनको डाइजेस्ट कर लेता है, चाहे वो कोई और कोशिकांग हो, चाहे बाहर से आने वाला किसी तरह का भी कोई पदार्थ हो। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी एंड द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यानी देखिए बहुत बार जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं साथ साथ में लिख भी रही हूँ, ठीक है, तो मेरे जो हाथ का मूवमेंट हो रहा है और आँखों का, जिस तरह से अगर मैंने हैंड आई पढ़ा तो मैंने इसी को देखा और इसी के ऊपर मैंने लिखा, इस तरह से ह्यूमन बॉडी देखा। आप भी कोशिश करिए आपका जो हैंड का मूवमेंट है, हाथ का जो मूवमेंट है और आपकी आँख का मूवमेंट है, वो कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है, उनमें समन्वय होता है। तो ऐसा कौन से ऑर्गन की वजह से होता है,
तो देखिए इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स हैं आपके, अगर कोई भी आपको ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, कोऑर्डिनेशन वाला लगे, तो वो सारे आपके कहाँ पे होंगे? ब्रेन में होंगे। ठीक है, तो सही जवाब इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट्स साउंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग? आपको बताना है कि आपका जो कान है उसका कौन सा भाग है जो आसपास से ध्वनि को संग्रहित करता है। तो देखिए हमने पहले ही बात करी थी कि आपका कान जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, वो एक फनल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है ऑलमोस्ट। इससे क्या होगा, चारों तरफ से जो साउंड है वो कंसनट्रेट होकर के आपके इधर आएगी और यहाँ से फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगी मिडल ईयर के अंदर और इनर ईयर के अंदर। तो देखिए कोकलिया जो पार्ट है, कोकलिया पार्ट है इनर ईयर का, और इसका काम क्या होता है कि ये साउंड साउंड जो भी आ रही है उसको मतलब कि रीड करता है। हैमर जो बोन है आपकी, मेलियस बोन जो है उसको आप हैमर के नाम से भी जानते हैं, एनविल है और पिन्ना है। तो आपका ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है ईयर का, ये वाला पार्ट जो आपको एक्सटर्नली विजिबल होता है, दिस इज नोन एज पिन्ना, और इसी का फंक्शन है कि ये ध्वनि को संग्रहित करता है, इकट्ठा करेगा और एक साथ उसको अंदर भेजेगा आपके ईयर ड्रम के थ्रू अंदर और जो कान के पार्ट है उनमें। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए। अगला है विच सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनल है, बिजली घर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि एटीपी बिजली बनाई जाती है। बिजली किस काम आती है? बहुत सारे काम आती है, तो यहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंगाई? आपको चार ऑप्शन दिए, आपसे पूछा है कौन सा जो है वो एक कवक नहीं है। एगैरिकस पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगाई है जिससे हमने पेनिसिलिन जो ड्रग थी वो ऑब्टेन करी थी। एगैरिकस है, एस्परजिलस है, ठीक है, ये सब फंगाई के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो गोनियोलैक्स है, गोनियोलैक्स एक फंगाई नहीं है, ये प्रोटिस्टा का आपका एक मेंबर है, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर, उसके अंदर इसको हम लेते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स यानी इसके अंदर दो फ्लैजेला होंगे। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा? गोनियोलैक्स, ये एक फंजाई नहीं है, कवक का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है कि आपके जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कितने विटामिन होते हैं? आपने बहुत पढ़े, B1 भी पढ़ा है, B12 भी पढ़ा है, तो टोटल कितने हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर? तो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल आपके 8 विटामिन हैं। हम 8 के नाम जानेंगे, पहले हम आंसर टिक कर लेते हैं ऑप्शन में, 8 के 8 कौन से हैं? विटामिन B1 जो आपका एंजाइम है उसका नाम है, सॉरी जो विटामिन है उसका नाम थायमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, B5 का क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, B5 5, और 5 को केमिस्ट्री में आप क्या कहते हैं? पेंटा, तो पेंटा से क्या हो गया? पेंटोथेनिक एसिड। B12 का हमने याद किया था कोबाल एमीन। B6 का क्या है? B6 का है पायरिडॉक्सिन, B7 का है बायोटिन और B9 का है फोलिक एसिड। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, 8 के 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो 8 बी हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यू का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ से गैसेस का आदान प्रदान होता है? तो देखिए यही सवाल हमने एनिमल्स के लिए कर लिया। एनिमल्स के अंदर कहाँ से होता है? एल्वियोलाई से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स के अंदर एल्वियोलाई तो है नहीं, फेफड़े तो है नहीं, तो इनके अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं। देखिए जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनमें इस तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, और इन गार्ड सेल्स के बीच का ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये वाला ये पोर जो शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो लीव्स अपना जो भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करती हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पूरा इनका कहाँ से होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो सही जवाब इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? तो थोड़ी देर पहले ही माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होने में मैंने क्या बोला था? ATP प्रोड्यूस होती है। तो आप बोलोगे ऑप्शन में ATP तो है ही नहीं, तो ATP का फुल फॉर्म मिलेगा आपको। अगर ATP नहीं है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ATP का फुल फॉर्म है, और हमारे जो शरीर में जो एनर्जी करेंसी है वो कौन है? ATP। सही जवाब इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स हैव नो आइसोलेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्म, हैविंग नो आइसोलेटेड स्ट्रक्चरल फॉर्म आर कॉल्ड? इसका क्या मतलब है? पृथक बनावट रूप नहीं होता इनमें। तो देखिए प्लांट जब भी आप सोचें तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है? कि आप यही सोचो कि प्लांट्स के अंदर लीव्स होंगी,
उनके अंदर रूट्स होंगी, उनका स्टेम होगा, फ्लावर होंगे, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लीव्स, रूट्स और स्टेम नहीं है पर फिर भी वो प्लांट्स तो हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और भी उनके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट्स जैसे हैं, तो उनको हम कहते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा हमने क्यों कहा उनको, क्योंकि उनमें इस तरह से पृथक्करण कोई भी नहीं है पर वो प्लांट्स तो है। तो सही जवाब इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी। तो देखिए प्लांट्स बोला है तो फंगस तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म बोला है तो जिम्नोस्पर्म में आपके वैसे ही आप सब जानते लीव्स होती हैं उनमें, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, विच सेल ऑर्गेनल हैज़ इट्स ओन डीएनए और राइबोसोम। आपको ऐसा सेल ऑर्गेनल बताना है, ऐसा कोशिकांग बताना है जिसके पास अपना डीएनए भी है और राइबोसोम भी है। तो देखिए डीएनए जिनके अंदर है वो मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में से आपको एक छांटना है, तो आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया है, ल्यूकोप्लास्ट दिया है, क्रोमोप्लास्ट दिया है, सेल वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास में डीएनए भी होता है अपना और अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो फोटोसिंथेसिस को क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है और लास्ट में उनको क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है या फिर क्लोरोफिल। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सल्फर जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोरोफिल और सनलाइट बिल्कुल चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, कैडमियम भी नहीं चाहिए। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आपको पूछा है कौन सा ऐसा रेप्टाइल है, कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, चार कोष्ठीय हृदय होता है उसके अंदर। तो देखिए आपके जितने भी रेप्टाइल हैं उनके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है या फिर कई जगह आप थ्री एंड हाफ भी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये आपका हार्ट है तो यहाँ पे ये जो पूरा सेप्टा है ये इनके अंदर पूरा बना हुआ होता है, लेकिन आगे वाला ये जो सेप्टा है ये आधा ही बना हुआ होता है, तो थ्री और थ्री एंड हाफ इसलिए बोलते हैं। लेकिन इनमें जो क्रोकोडाइल होते हैं, जो मगरमच्छ है और जो एलिगेटर हैं, जो घड़ियाल होते हैं, उनके अंदर आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन डी क्रोकोडाइल। अब अगला सवाल आपसे पूछा है कि दो चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, तो दो चैम्बर्ड हार्ट होता है आपके फिशेस के अंदर, ठीक है। तो हम शुरू से ही देख लीजिए जो फिशेस हैं आपके, फिशेस के बाद में ह्यूमन बींग्स में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके अलावा फिशेस में आपके टू चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस हैं उनमें आपके थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी फिशेस। अगला क्वेश्चन है डेंड्राइट्स एंड एग्जॉन्स आर पार्ट्स ऑफ विच सेल्स। कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें डेंड्राइट्स और एग्जॉन्स होते हैं। तो देखिए नर्व सेल का अब हम डायग्राम बनाएंगे, न्यूरॉन का डायग्राम बनाएंगे और न्यूरॉन के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो देखिए न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको इस तरह की आपने देखी होगी बुक्स के अंदर, एक बार मैं डायग्राम बना लेती हूँ, एक सेकेंड, ओके। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सेल बॉडी होता है। इसके अंदर ये जो पार्ट्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है सेल बॉडी है, ये वाला जो पार्ट है ये एग्जॉन है। एग्जॉन के बाहर जो है इस तरह से सेल्स होते हैं। अगर ये सेल्स होते हैं तो हम इसको माइलिनेटेड या फिर डीमाइलिनेटेड, इस तरह से अलग अलग कुछ नेम्स होते हैं। और इनके बीच का जो स्पेस है इनको हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो आपको पूछा है डेंड्राइट्स और एग्जॉन्स किसके पार्ट है, तो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेफ्रॉन आपके होते हैं किडनी के अंदर और जो न्यूरॉन है वो आपके कहाँ पे होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर। तो सही जवाब इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए न्यूरॉन। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। तो देखिए 10% लॉ था, 10% लॉ दिया था ये, ठीक है, 10% लॉ ऑफ लिंडेन, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल से खाद्य श्रृंखला के अंदर जो आपका एक स्तर है उससे दूसरे स्तर पर जाने वाली जो एनर्जी होगी वो 10%, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में दिया है तो 10% को आप 0.1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के पास जितनी एनर्जी है उसकी 10% एनर्जी जो है वो उसके अगले स्तर में जाएगी,
उसके अगले स्तर से अगले स्तर में 10% एनर्जी, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.1। अगला सवाल है, इन प्लांट्स फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लोएम, किसके परिवहन में मदद करेगा फूड के ट्रांसपोर्ट में। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। और जाइलम किस में हेल्प करेगा, जाइलम हेल्प करेगा वाटर के और सैप के ट्रांसपोर्ट में। सैप भी हमने एडिशनल पढ़ा था, हो सकता है आपको इस बार वाटर ना पूछ करके सैप पूछा जाए। आपको पूछा है, डायलिसिस इज एडवाइज्ड टू द पेशेंट्स इन केस ऑफ विच ह्यूमन ऑर्गेनिज डैमेज एंड नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अंग है जिसके क्षतिग्रस्त होने पे या ठीक से काम नहीं करने पे आपको डायलिसिस करने को बोला जाएगा। तो देखिए, डायलिसिस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है, तो उनके अंदर जो नेफ्रॉन है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो प्यूरिफिकेशन का काम है वो हम एक्सटर्नली करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। तो जिनके अंदर किडनी फेलियर हो जाते हैं, जिनके गुर्दे काम नहीं करते हैं, उनमें हम डायलिसिस करते हैं। सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किंगडम के अंदर, ब्रायोफाइटा फाइलम जो है उसके अंदर इनमें से कौन कौन सा नहीं आता, फ्यूनेरिया जो है, मार्टिया जो है एंड रेकेसिया। ये तीनों एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइटा के हैं, लेकिन कैरा जो एग्जाम्पल है वो आपका ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है जो कि प्लांटी किंगडम के अंदर आता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द माउथ ऑफ मोलस्का, मोलस्का के बारे में बात की जा रही है, कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। तो इनका जो मुंह होता है उसके बारे में बोला गया है कि इनकी मुंह की संरचना कैसी होती है, फाइल जैसा होता है और एक छीलन अंग होता है, उसे आप क्या कहते हैं। तो उसका देखिए एक प्रॉपर नाम है, आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका नाम जो है उसे हम कहते हैं रेड्यूला, ठीक है। ओके, ऑक्टोपस के बारे में पूछा है आपको, ऑक्टोपस कौन से फाइलम का मेंबर है, तो ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम का मेंबर है। आर्थ्रोपोडा के अंदर सारे जो इंसेक्ट्स हैं, आपके हाउस फ्लाई हैं, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे, ठीक है। सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन डी। हेमीकॉर्डेटा के अंदर बहुत ही कम एग्जाम्पल्स आते हैं आपके, इकाइनोडर्मेटा में जैसे आपके स्टार फिश आएगी, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला देखिए, आपको पूछा है पाइन किसका एग्जाम्पल है, तो पाइन एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल कुछ अलग से ही होते हैं तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे साइकस हो गया, साइकस और एग्जाम्पल है आपके जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। पाइन हो गया, गिंगो बाइलोबा होता है एक प्लांट, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का। एक सेकेंड, अगला सवाल देखिए, डैश इज ऑफन रेफर टू एज एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे प्लांट वर्ल्ड आना चाहिए, जो आपका प्लांट किंगडम है उसके एम्फीबियंस किसे कहेंगे। तो एम्फीबियंस देखिए कौन होते हैं, जो जल पे, पानी में और लैंड पे दोनों जगह एक साथ रह सकते हैं। तो आप बताइए ऐसे प्लांट्स कौन से जो दोनों जगह रह सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो किंगडम है उसके जो प्लांट्स होते हैं वो दोनों जल पे भी रह सकते हैं और पानी में भी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ब्रायोफाइटा। इसी तरह टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ठीक है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट। आपको बताना है कि कॉर्डेट जो है उनका कौन सा एक विशेषता नहीं है। तो पहला है कि इनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनमें कौन कौन आएगा, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगी। तो आप अपने ब्रेन से कंपेयर कर सकते हैं इसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो वो डॉर्सल होगा, यानी आपका शरीर जो है उसका जो पिछला भाग है उसमें होगा, ठीक है। तो ये बात एकदम ठीक है। हॉलो होगा और सिंगल होगा, यानी कि जोड़ा नहीं होगा। इनमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें जोड़े में भी होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम ठीक है। दूसरा है, द पोस्टीरियर एनल पोर्शन टेल इज प्रेजेंट। तो टेल ये ही आपको ह्यूमन बींग्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप किसी भी एनिमल से कंपेयर करोगे तो पोस्टीरियर एनल पोर्शन जो है इनका, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर्शन जो एनस है, वो आपका उसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर है जानवरों के अंदर वो होती है उनकी टेल। ये बात भी एकदम ठीक है। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और हार्ट जो है, हार्ट इज एब्डोमिनल, तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट सही हैं। जो गलत है वो आपसे पूछा है, जो गलत है वो है ऑप्शन सी कि नोटोकॉर्ड जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो हमारे MCQs यहाँ पे आज खत्म होते हैं।
थैंक यू।